जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने सीबीआई कब कसेगी अपना शिकंजा महेश भट्ट पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सुशांत सिंह राजपूत केस को अगर शुरुआती से फॉलो कर रहे हैं तो इस बात की जानकारी आप सभी को होगी कि रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। इस बात का एक स्क्रीनशॉट जो कि व्हाट्सएप चैट का था काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, क्योंकि जहाँ रिया ने साफ तौर पर इसमें साफ साफ लिखा था कि 8 जून को कि वे सुशांत के घर से जा रही हैं। ये सारी बातें उन्होंने महेश भट्ट को बताई थी। ऐसे में सवाल खड़ा किया है एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने। बताया दोस्तों, सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने साफ साफ कहा है कि महेश भट्ट से सीबीआई कब पूछताछ करेगी। इस बात को लेकर उन्होंने शाम को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि क्या सीबीआई ने महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया है। जब 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था तो उन्होंने इस बात की जानकारी महेश भट्ट को क्यों दी थी। रिया ने पिछले हफ्ते ही एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान भट्ट को अपने पिता जैसा बताया था। जब रिया के साथ उनकी व्हाट्सएप बातचीत लीक हुई तभी से भट्ट को सोशल मीडिया पर गंभीर रूप से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जून में सुशांत के निधन के बाद से ही महेश भट्ट को कथित तौर पर भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म के विवाद में काफ़ी ज़्यादा फंसाया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल और मेम्स द्वारा निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें रिया के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात संबंध को लेकर भी ट्रोल किया गया है जो कि उनकी तस्वीरों में साफ दिख रहा है। रिया पर सुशांत के जान लेने का आरोप लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, महेश भट्ट पर कब कसा जाएगा सीबीआई का शिकंजा, इस बात को लेकर फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि महेश भट्ट कुछ ना कुछ ऐसा राज जानते हैं जो अभी तक सबके सामने नहीं आया है, मुंबई पुलिस की जाँच में और ईडी की पूछताछ में। तो कब आएगा महेश भट्ट का वो असली सच जो रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर उन्होंने मकसद को अंजाम दिया था, इस बात को जानने के लिए सभी फैंस से हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।